को उदयपुरवादी में हत्याओं का सिलसिला है, 6-6 लोगों की हत्याएं हो गई। हर कोई सच खड़ा होकर यह कहे कि भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में कभी किसी चींटी को मारा गया, किसके साथ कोई अन्याय हुई? अरे इनका तो इतिहास है। परम आदरणीय इंद्र सिंह जी के हाथ पैर तोड़ने वाले लोग, पोप इंद्र सिंह जी की हत्या करने वाले लोग, किशोर स्वामी सिंह के लाल स्वामी सरपंच के हाथ पैर तोड़ने वाले लोग आज उदयपुरवाटी का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। हम राजस्थान से ज्यादा दुखी इसलिए हैं कि राजस्थान में कहीं भी ऐसा गुंडाराजी है जैसा उदयपुरवाटी में है। यहां तो अपने आप को बनाए रखने के लिए, खनन माफिया बनकर लूटने के लिए, इंसानों की हत्याएं करने के लिए वो लोग राज करते हैं जो आपके सामने कहते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी यार शराब मूड देखकर बात करता है, ऐसे लोग आपका नेतृत्व करते हैं। और उसके उपरांत कल परसों कह रहे थे मैं तो मुख्यमंत्री को टूटिया में बुलाता हूं, रात तो सूर्य बिल्ला साल को लड़की को टूटे को दिया तू क्या तेरा मुखरावा है? एक किसी को टूटिया में बुलाता है और एक किसानों का अपने आप को नेता कहने वाला हमको टाइम देता है कि 18 तारीख को मैं किसान सम्मेलन करूंगा। ए मेरे नौजवान दोस्तों, ए किसान बुजुर्गो, हम अगर किसी किसान नेता का सम्मान करना चाहते हैं तो बहुत सी जगह हमारे पास उपलब्ध है। लिबर्टी फार्म हाउस में तो वो लोग जाते हैं जो अन्याय को बढ़ावा देते हैं, वही फार्म हाउस है जिसको हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए छुड़वाया था। उसी अवैध जगह पर आने के बाद अगर कोई अपने आप को किसान का नेता कहता है तो इस बात को मानने को तैयार नहीं। इसलिए आने वाले समय में लंबी चौड़ी बातों के गठ करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग को सावचेत रहकर ये परिवर्तन लाना है। और मेरी एक ही बात कहूंगा, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े नेता के मंच पर विराजमान है, उन सबको भी सुनना है। आपसे इतना ही कहता हूं, एक कभी भी बहुत जोरदार बात कही है और वो आप पर भी सब बहुत बखूबी लागू होती है, एक परिंदे है, एक परिंदे तू यू क्यों बैठ कर ऊंचे आसमान को देखता है? एक परिंदे तू यू क्यों बैठ कर ऊंचे आसमान को देखता है? पंखों को फैला ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसको मिलती है जो आंखों से सेना देखता है। आप देखोगे 4 साल के जो भाव आप पर लगे हैं उनको याद रखोगे, उनको जिंदा रखोगे तो आने वाले समय में परिवर्तन को कोई बदल नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग बधाई, आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। नारी शक्ति को भी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद के आप लोग बधाई, आपके आशीर्वाद भी आपका।